हेलो, क्या हाल चाल भाइयों बहनों। देखो यार, हम लेकर आ चुके हैं भैया एक और नया स्टंट रेस। और क्या हाल चाल यार आप सभी लोग के। प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब लोग मज़े कर रहे हो कि नहीं। यार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मज़े करना, बट पता नहीं। और कलवे कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया बेटा, तुम थोड़ा पीछे हो जा। और भाई साहब, आज का स्टंट रेस ना यार बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। मतलब हाँ, बिल्कुल ईजी है यार। शायद मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई आज का स्टंट रेस इजी है, क्योंकि वाकई में आज इजी है भाई। देख रहे हो, कार से शुरुआत करनी है और भाई साहब सारे ट्रैक्स हैं बस, और ट्रैक्स भी शानदार हैं, कोई उतनी डिफिकल्टी नहीं है। तो चल भाई कलवे, कर दे तू ही रेस को शुरू। अरे यार, मुझे लगा था वॉली कार लेगा, लेकिन इसे तो यू टर्न मार लिया। चलो जी, हो गया है हमारे स्टंट रेस का आज का शुरुआत। ओ ये क्या हो गया यार, अभी ये क्या ये क्या हो गया अभी कलुए? अरे मुझे खुद नहीं समझ में आया क्या हो गया ये। भाई जो भी हो, समझ में भले तुझे नहीं आया, लेकिन हमें समझ में आ गया भाई साहब कि तेरी पहली लाइफलाइन तो खत्म हो गई। यार मैं तो कह रहा था कि ये स्टंट रेस बिल्कुल इजी है, लेकिन भाई साहब ये तो पहली ट्रेडमिल ने कलुआ की भाई साहब। ओहो चलो कोई बात नहीं भाई। अरे कैरियर शोज भाई पहले इसमें न्यूज कलुआ को भेज दिया है, देखा कुछ क्यों कर पाया ये। आज के स्टंट रेस तो ये यू हार गया, मुझे जाने देते। देखा था ना पिछली बार मैंने कैसे स्टेट रेस को जीत लिया था, इस बार भी मैं स्टेट रेस को यूं ही जीत लूंगा। देखते रहो ओ तुम तीनों, और खासकर कलवे, तू तो अपनी नजर बना के ही रखना है। तो चुपचाप स्टेट रेस खेल, ज्यादा बकवास मत कर, समझा? अरे है जलबत। भाई साहब मैं भी कलवा भाई की बात से एग्री करता हूँ कि सिंचन भाई तुम यार सिर्फ स्टंट रेस पे ध्यान दो। ओ बहुत सच्चे, यहाँ पर भाई साहब रेलवे से बचने की जरूरत नहीं थी। क्या बात है यार, बिल्कुल भाई साहब जिगजैग मोड है, संभल के। ओहो क्या बात है यार, आज का स्टंट रेस यार काफी ज्यादा इजी है। अरे यार इजी स्टंट रेस में भी मतलब यार फटाफट कंप्लीट कर लेना चाहिए आज का स्टंट रेस तो। लेकिन भाई साहब हमारे प्लेयर्स बच गया भाई, बिल्कुल क्लोज कॉल था। थोड़ा सा भी अगर 1 सेकंड का भी अगर फर्क होता तो शायद से हमारा सिंचन भाई नीचे। बहुत अच्छे टर्न, चलो जी बहुत शानदार जंप। ओहो रिंग पार नहीं की यार, आज का स्टंट रेस तो इतना इजी था, कम से कम रिंग तो पार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई, हमारा ये क्या हो गया भाई। अरे ई का हुई गवा। अरे यार मैं अभी तारीफ ही करने जा रहा था कि भाई हमारा सिंचन भाई कितना अच्छा खेल रहा है, लेकिन ना ये सिंचन भाई की तो भाई साहब कार भी गई और पहली लाइफलाइन भी गई। अरे अब बूस्टर इस्तेमाल करने से क्या होगा, अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। अरे निकल भाई पानी में से, एक तो टिंगू ऐसे ही भाई ऊपर से समुद्र में गिरा है। और चलो भाई इसी के साथ हमारे सिंचन भाई की भी पहली लाइफलाइन खत्म हो गई। क्या यार सिंचन है भाई, मैंने आज शुरू में ही बताया अपने व्यूवर्स को कि भाई आज का स्टेटस बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन भाई ये लोग तो नाक कटवाने में लगे हुए हैं। अरे कहिए शुरू में इजी नहीं, आज का स्टेटस भी डिफिकल्ट है। आज के स्टेटस भी देख रही हूँ कितने सारे ट्रेडमिल्स है। आ हाँ भाई बहाने बनाना बंद कर दो। चलो यार नोबिता भाई तुम क्यों खड़े हो यार, अब तुम्हारी ही बारी है, चलो अब तुम भी ट्राई कर लो। चलो जी भाई, तो अब मैदान में उतरे हैं हमारे नोबिता भाई। यार मतलब इतने अच्छे स्टंट रेस को भी इन लोगों ने भाई साहब पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, इन लोगों ने डिफिकल्ट बना रखा है। क्या बात है भाई साहब, वाह नोबिता भाई ने तो भाई साहब पहले ही अपने लक्षण दिखा दिए जीतने वाले। भाई साहब बिल्कुल साइड से निकाला और ट्रेडमिल से बचते हुए, बहुत सही। यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भाई साहब ओहो यहाँ पर भी साइड से निकाल रहे हैं, क्या बात है भाई साहब। अबे भाई हमारे बाकी प्लेयर्स ने भी अगर ऐसे दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो भाई साहब वो लोग भी आगे जा सकते थे। लेकिन बहुत अच्छे भाई साहब नोबिता भाई सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए संभल के नीचे है, डाउन स्लाइड डायरेक्शन। ओ बहुत अच्छे, मुझे लगा था भाई साहब की डायरेक्शन इनकी गलत हो गई, लेकिन नहीं, खुद को बचाते हुए। ओहो भाई साहब ये तो मेरे ख्याल से वही पॉइंट है जहां पर हमारे सिंचन भाई आउट हुए थे, नहीं शायद ये नहीं है, शायद से नोबिता भाई यहाँ पर बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टेडी करना तो बनता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। ओहो लेकिन आगे चलो यार, क्या हो गया, स्पीड लो कर दी? नहीं नहीं यार, बूस्टर के बाद थोड़ी सी भाई साहब कार की स्पीड। ओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। अरे ये पीछे क्यों कर रहे हैं नोबिता भाई, मैं इस रिंग को पार करूंगा।
क्या बात है भाई साहब, गट्स तो कुछ ज्यादा ही है भाई साहब। रिंग को पार करने की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी सीधी करनी होगी कार, वरना गिर जाएंगे पानी में। बड़ी बेकार रैमिंग थी। जी हाँ, फुल बूस्टर लगा के भाई साहब रिंग पर। ओहो, स्पीड गिर गई भाई साहब रिंग पे चढ़ते ही। यहाँ नहीं, संभल के संभल के, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। जी हाँ, कंट्रोल कर लो भाई साहब, रिंग तो पार नहीं कर पाए हमारे नोबिता भाई। संभल के संभल के संभाल ले भाई अपने कार को, बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, अच्छी बात है कि नोबिता भाई बच गए। कोई बात नहीं, रिंग पार नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इतना हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये है वो पॉइंट जहाँ पे भाई हमारे सिंचन भाई आउट हुए थे। जी हाँ, हल्का सा बूस्टर लगा के हमारे नोबिता भाई बचते हुए। ओहो भाई, ये देखो यार, अब यहाँ पे आके देखने के बाद पता चलता है भाई साहब कि ट्रैक तो बहुत लंबा है यार, मतलब देख रहे हो भाई साहब, अभी तो बहुत आगे जाना है, लेकिन यहाँ पर होने वाला है एक रिंग, तो थोड़ी सी स्पीड गेन करना। और जी हाँ, चलो जी, फुल स्पीड, हल्का सा बूस्टर भी लगा दिया है। देखते हैं नोबिता भाई रिंग पार करते हैं। बहुत अच्छे, रिंग तो पार कर लिया है, क्या बात है, वाह भाई साहब वाह। इसे कहते हैं भाई साहब एक प्लेयर बिल्कुल दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, क्या बात है, बिल्कुल साइड से निकाला है, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं सूझबूझ के साथ खेलना। काश के हमारे बाकी दोनों प्लेयर्स, ओहो यहां से वैसे कुछ नहीं दिख रहा था यार, काश के वैसे हमारे बाकी दोनों प्लेयर्स भी इस चीज को समझ पाते। ओ भाई साहब, इन कोई बात नहीं, कार को उतना कुछ डैमेज नहीं हुआ, बहुत सही, क्या बात है भाई साहब। नोबिता भाई से ना इसीलिए मुझे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं, क्योंकि भाई साहब वो दिमाग से खेलते हैं, वो हड़बड़ी में जोश में कोई काम नहीं करते। बहुत अच्छे, क्लोज, बहुत क्लोज था भाई साहब। नोबिता भाई संभल के रहो तुम भी यार, बहुत सही, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लगता है मेरे ख्याल से भाई साहब इस स्टंट रेस में सेकेंड स्टेज भी है। जी हाँ, सेकेंड स्टेज भाई दिख रहा है, मुझे लगता है बाइक चेंज करनी होगी, देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छे, यहाँ पर स्पीड कंट्रोल कर लिया, वरना तो नीचे ही जाते भाई साहब सीधा। ओ ये क्या हो गया यार, इतनी तो कार की स्पीड भी नहीं थी जितना इसने टर्न ले लिया, बहुत सही, वाह। यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए। बाकी सब प्लेयर्स को भाई साहब थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अगर कैसे करना है, लेकिन अब तो भाई साहब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नोबिता भाई अब हारने वाले हैं। एक सेकेंड भाई, ये क्या है, ओ भाई साहब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन आगे है अगला स्टेज तो करना ही पड़ेगा, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही स्लो है। संभल के संभल के संभल के, वो क्या बात है भाई साहब। इसी के साथ हमारे नोबिता भाई पहुंच चुके हैं भाई साहब आज के स्टंट रेस के सेकंड स्टेज में। वो यहाँ पर तो भाई साहब ऑडियंस भी खड़ी है, हालांकि भाई साहब सारे स्पेशल ऑडियंस है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो नोबिता भाई, तुम कर दो भाई साहब अपने सेकेंड स्टेज की शुरुआत। ओहो, थर्ड स्टेज भी बहुत पास ही है, वो देखो यार। जी हाँ, चले नोबिता भाई अपने सेकंड स्टेज पे यहाँ पर, लेकिन वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। जी हाँ, लेकिन बूस्टर तो काम आएगा, ट्रेडमिल, ओ बहुत सही। लेकिन भाई साहब ऑब्स्टिकल से बच के रहना होगा, हमने पिछले कई सारे स्टंट रेसेस में देखे हैं कि भाई साहब ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं प्लेयर्स के लिए, और स्पेशली जब बाइक हो तब तो और भी ज़्यादा भाई, कंट्रोल बिगड़ने का डर रहता है। लेकिन नहीं, हमारे नोबिता भाई बहुत अच्छे से चल रहे हैं, शाबाश। ऊपर है चढ़ाई, ओह शाबाश। ओ भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि भाई साहब बूस्टर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो भाई साहब सीधा पानी में गिरने का डर है। बहुत अच्छे, नोबिता भाई काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं ट्रेडमिल के, क्या बात है, बिना बूस्टर के इस्तेमाल से बच गए। जी हाँ, मेरी एडवाइस को मानी है नोबिता भाई ने, लेकिन संभाल के यहाँ पर भी संभाल के चलना होगा, कुछ ज्यादा ही स्पीड। ओहो भाई साहब, क्या बात है, जिगरा चाहिए। ओहो यार, थोड़ा सा लेट हो गए, वरना तो भाई साहब अभी ही कंप्लीट कर लेते ये वाला फेज भी, बहुत अच्छे। चलो जी, नौका लग गई पार, पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे भाई साहब, क्या बात है। यहाँ पे थोड़ा सा इनका लक साथ दे गया, क्योंकि भाई साहब मैं जानता हूं कि इन्होंने उस ट्रेडमिल को स्टेडी नहीं किया था, लेकिन फिर भी बचते हुए, यहाँ पर किस्मत का थोड़ा सा साथ। ओहो, ये तो भाई साहब आज का स्टंट्रेस काफी ज्यादा डाउन है भाई पानी के। संभल के, बहुत अच्छे, यहाँ पर भी, लेकिन ओहो बहुत पास है भाई साहब अब आज के स्टार्ट रेस का थर्ड और लास्ट स्टेज। ओहो, लेकिन ट्रेडमिल ये कुछ ज्यादा स्पीड में चल रहा है। जी हाँ, बूस्टर और बहुत शानदार,
एक बहुत ही ज़्यादा पतला ट्रैक यहाँ पर भी, लेकिन पानी के बहुत ज़्यादा पास है। थोड़ा सा इनको भाई साहब डिस्ट्रैक्शन हो सकती है पानी की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हौले हौले। एक ओ भाई, एक और ट्रेडमिल, क्या बात है भाई साहब। अब ऊपर है चढ़ाई और इसी के साथ हमारा नोबिता भाई पहुंच चुका है आज के स्टंट रेस के तीसरे और आखिरी पड़ाव में। क्या बात है यार, अबे आज का आखिरी पड़ाव भी बहुत लंबा दिख रहा है भाई। और ये देखो यार, मतलब लास्ट स्टेज में भी देख रहे हो तुम ट्रेडमिल लगे हुए हैं, यानी कि भाई साहब लास्ट स्टेज भी इजी नहीं होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नोबिता भाई ने जब भाई इतने डिफिकल्ट फेसेस को पार कर लिया है तो इसे भी पार कर ही लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर भी बूस्टर, मतलब भाई पानी में बूस्टर लगाना पड़ रहा है, देख रहे हो भाई ट्रेडमिल्स का कितना खौफ है। कोई बात नहीं नोबिता भाई, हमें तुमसे पूरी उम्मीद है भाई कि तुम आज का स्टंट रेस जरूर जीतोगे। ओ भाई साहब, ये तो खुद ही जाकर टकरा गए थे ट्रेडमिल से, लेकिन अच्छी बात हुई कि उनके विंड से इनकी टकराव नहीं हुआ, बचते हुए। बहुत सही, फिर से आ गया है ट्रेडमिल। ओ बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर दिशा खराब होती हुई। सीधा सीधा सीधा, बहुत अच्छे भाई। वाकई यार आज का स्टंट रेस भाई साहब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट डिजाइन किया गया है भैया। ओ क्या बात है भाई साहब, ऊंची उड़ान और इसके साथ ट्रेडमिल से भी बचते हुए ये लास्ट ट्रेडमिल। ओ सही सही सही, सही स्लो स्लो स्लो, क्योंकि भाई साहब चेक पॉइंट के अंदर से पार करना है, बाहर से नहीं। क्या बात है नोविता भाई, बहुत सही। और इसी के साथ ये लो, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बहुत सही, क्या बात है यार, मतलब भाई साहब आज का स्टंट रेस मैंने इजी कहा था, लेकिन नहीं यार, बाद में जाके पता लगा कि भाई साहब आज का स्टंट रेस इजी नहीं, डिफिकल्ट था। और उस डिफिकल्ट स्टंट रेस के विनर है हमारे नोबिता भाई। तो चलो नोबिता भाई यार, बहुत जबरदस्त कंग्रेचुलेशंस भाई कि तुम आज का, ओहो क्या बात है यार, क्या व्यू है यहाँ से। वो भाई साहब देख रहे हो कितना लंबा ट्रैक था आज का। तो चलो भाई, अब बारी है यार प्राइज मनी की। क्या बात है यार, आज का व्यू भी बड़ा शानदार है, आज का स्टंट रेस भी बहुत शानदार रहा, और हमारे विनर नोबिता भाई तो भाई साहब हमेशा से ही शानदार थे। ओहो नोबिता भाई, चलो भाई जल्दी से प्राइज मनी पे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मैं थोड़ा वहां आगे जा रहा हूँ। आ ठीक है, आगे जाओ, लेकिन हमारे तीनों लूजर प्लेयर्स, चलो भाई आ जाओ, तुम लोग हेलीकॉप्टर लेकर आओ और जल्दी से लेकर चलो नोबिता भाई को भाई प्राइज मनी के पास। ठीक है शोहन भाई, हम लोग हेलीकॉप्टर लेके आते हैं। लेकिन शोहन भाई हेलीकॉप्टर है कहाँ? अरे मैं अभी भिजवाता हूँ, टेंशन मत लो। तो चलो भाई साहब, आ चुका है भाई साहब हमारे नोबिता भाई का प्राइज मनी, और पीछे भाई साहब वो हेलीकॉप्टर और एक स्पेशल कार जो कि सिर्फ हमारे नोबिता भाई के लिए है। अब देखो यार, ये प्राइज मनी देने का ना एक कारण है भाई साहब, क्योंकि हमारे नोबिता भाई ने कहा कि भाई उसको भी कलुआ की तरह भाई साहब एक बिजनेस शुरू करना है व्हीकल का। इसीलिए देखो भाई, हमने उसको इतने सारे व्हीकल्स दिए हैं, और सिर्फ व्हीकल्स ही इसलिए दिए हैं क्योंकि भाई साहब ये सारे व्हीकल्स अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है, और सारे के सारे भाई साहब सुपर कार्स हैं, वो भी महंगे वाले, सारे के सारे भाई साहब इम्पोर्टेड है, यहाँ का कोई भी नहीं है। देख रहे हो भाई साहब, सारे अलग अलग है, F1 कार भी है इसके अंदर, और सेम है भाई बाइक्स का, बाइक्स भी देख रहे हो सारे अलग अलग है, कोई सेम है ही नहीं भाई। और ये भी बाइक्स भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अरे तुम लोग भाई बाद में धुआं फूंक लेना। ओ नोबिता भाई आराम से, देख लो भाई साहब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और इधर खड़ी है भाई साहब दो दो लिमोजिन, ये भी हमारे नोबिता भाई की है, और ये हेलीकॉप्टर तो हमारे नोबिता भाई का होने ही वाला है। और इधर खड़े हैं भाई साहब हमारे तीनों प्लेयर्स। तो चलो नोबिता भाई, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा भाई साहब ये सारी कार्स और बाइक्स तुम्हारे बिजनेस के लिए? बहुत अच्छा है शोज भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं भी अपना बिजनेस आराम से शुरू कर सकता हूँ, क्या बात है, थैंक यू। अरे शोज भाई, आपने मुझे तो सारी सेम बाइक्स और सेम कार दे दी थी, लेकिन नोबिता भाई को तो अलग अलग दी हैं। हाँ भाई, तो अब नोबिता भाई ने वैसी मांगी तो उन्हें वैसी दे दी मैंने भाई साहब, और ये सारी के सारी भाई साहब इम्पोर्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगी होने वाली हैं। तो चलो, तो फिर अब पार्टी करते हैं, चलते हैं हेलीकॉप्टर से मेरे ही घर पे, मेरे अपार्टमेंट में चलते हैं। अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जिमी भाई के अपार्टमेंट में चलते हैं, बड़ा है। ठीक है, जिमी भाई के अपार्टमेंट में चलते हैं। ठीक है चलो, तो फिर पार्टी करते हैं। तो चलो भाई, करो दो यार इन लोगों को पार्टी शार्टी, हम भी चलते हैं और मिलते हैं यार आपसे अगले वीडियो में। तब तक यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड।